हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच EVS लेसन 5th, वाटर फॉर ऑल। वाटर हम सब के लिए, वाटर मीन्स पानी हम सब के लिए क्या रिक्वायर होती है। वाटर इज नेचुरल रिसोर्सेज गिवन टू अस बाय नेचर। पानी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है और जो हमें कृत्रिम से, नेचर से मिलता है। वाटर इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक मीन्स रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत। पानी है जो हमारी बेसिक ज़रूरत है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एनिमल्स एंड प्लांट आल्सो नीड वाटर एंड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। मनुष्य ही नहीं, ह्यूमन बींग्स मनुष्य ही नहीं, बट लेकिन एनिमल्स और पौधे भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। सर्वाइव मीन्स जिंदा। सम एनिमल्स लाइक हिप्पोपोटम्स एंड बफेलोज नीड टू स्टे इन वाटर फॉर लॉन्ग हावर्स ड्यूरिंग समर्स टू कीप देयर बॉडी कूल। कुछ एनिमल जैसे हिप्पोपोटम्स और बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस, जो होती है गर्मी में लंबे समय तक अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी में रहते हैं। वाटर इज आल्सो प्लेस ऑफ लिविंग फॉर मैनी एनिमल्स एंड फिश। पानी में बहुत से जानवर रहते हैं जैसे एनिमल्स, फिश। दे आर कॉल्ड मैरिन एनिमल्स। इन्हें मैरिन एनिमल्स कहते हैं, जो पानी में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मैरिन एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। टॉर्टाइल, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स इट्स एक्स्ट्रा आर एम्फीबियंस। जो टॉर्टाइल कछुआ है, मगरमच्छ है और मेंढक है, ये एम्फीबियंस एनिमल्स कहलाते हैं। प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड टू मेक फूड। प्लांट्स, जो पौधे होते हैं, उन्हें बढ़ने के लिए और भोजन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू ओपन इट टैप, टैप मीन्स नलका, काफ़ी बार आप नलका खोलते हैं, यू गेट वाटर। जैसे ही आप नलका खोलते हैं पानी आ जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर हिज वाटर कम्स फ्रॉम। आपने कभी सोचा है ये पानी कहाँ से आता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, सोर्सेज मीन्स पानी के स्रोत, भी पानी कहाँ से आता है। द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर इज फेलो। रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। रेन, रेन मीन्स बारिश, जो बारिश का पानी होता है वो वाटर का मेन सोर्स है। रिवर, पॉन्ड, शी, लेक एंड वेल आर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। रिवर मीन्स नदी, पॉन्ड मीन्स तालाब, सी मीन्स समुद्र, लेक मीन्स झील, वेल मीन्स कुआं। ये सब पानी के सोर्सेज है, इन सब में से पानी आता है। वाटर फ्रॉम रेन कैन बी स्टोर्ड इन पॉन्ड्स एंड टैंक्स। जो बारिश का पानी होता है वो हम तालाबों और टैंकों में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर मीन्स इकट्ठा कर लेते हैं। आफ्टर स्टोरिंग इट वी कैन यूज इट फॉर इरीगेशन ऑफ फील्ड। बाद में स्टोरेड पानी को, जो इकट्ठे किए हुए पानी को, हम फील्ड्स मीन्स खेतों में, इरीगेशन मीन्स सिंचाई, खेतों में सिंचाई के काम में लेते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन मीन्स प्रदूषित, पानी प्रदूषित कैसे होता है। पीपल थ्रो गार्बेज इन वाटर। पीपल जो है, लोग जो है, गार्बेज कचरा, पानी में कचरा डाल देते हैं। द वेस्ट वाटर ऑफ फैक्ट्रीज कॉन्टेन जर्म्स इन इट। जो फैक्ट्री का वेस्ट पानी होता है फैक्ट्रियों में, वो भी इसमें, पॉन्ड वगैरह में आ जाता है, रिवर में आ जाता है। दीज जर्म्स कैन कम डिजीज एट टाइफाइड एंड जैंडिस। तो इन कीटाणुओं से हमें बीमारियां हो जाती है जैसे टाइफाइड और जैंडिस। अनकवर्ड वाटर इन पॉन्ड्स मेक ब्रीडिंग ग्राउंड टू मॉस्किटो विच कम्स मलेरिया। जो बिना अनकवर्ड मीन्स बिना ढका हुआ पानी होता है, तालाबों में बिना ढका हुआ पानी होता है, तो जो इस पे स्थान पर है, ग्राउंड में स्थान पर पानी जम जाता है, उस पर मच्छर बैठते हैं और उस मच्छर से हमें मलेरिया हो जाता है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पानी जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वी शुड नॉट पोल्यूटेड, इसे हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। देयर आर सम पॉइंट्स वी शुड कीप इन माइंड टू कन्वर्स
वाटर, कुछ पॉइंट है जिससे हम पानी को साफ रख सकते हैं। डू नॉट थ्रो रबिश और एनी वेस्ट मटेरियल इन टू द वाटर। हमें पानी में कभी भी कचरा और वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए। कीप द स्टोर्ड वाटर कवर्ड विद इट लिड। जो स्टोर पानी है, जो पानी अपने इकट्ठा करते हैं, उसको हमें ढककर रखना चाहिए। ऑलवेज बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग और यूजिंग फॉर कुकिंग फूड। पानी को हमें पीने के लिए और खाना पकाने के लिए हमेशा बॉयल करके यूज करना चाहिए। बॉयल मीन्स उबाल कर पानी को हमें यूज करना चाहिए, जिससे उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो कीटाणु मर जाएंगे और पानी हमें ख़राब नहीं करेगा। देयर माइट बी सम इम्प्योरिटीज और जर्म इनटू विच कैन मेक यू इल, जिससे पानी प्योर हो जाता है बॉयल करने से और हम बीमार नहीं होते। यूजेज ऑफ वाटर, वाटर का यूज, पानी किस किस चीज़ में हमें प्रयोग में आता है हमारे लिए। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आल लिविंग बींग टू सर्वाइव। पानी जो है सभी लिविंग बींग के लिए जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम सभी पानी के बिना नहीं रह सकते। इट इज यूजफुल इन नंबर ऑफ वे। यह हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है। जैसे वी टेक बाथ एवरी डे विद वाटर। हम डेली पानी से नहाते हैं, तो नहाने के लिए हमें पानी चाहिए। सेकंड, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए। वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग। हमें पानी खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और सफाई करने के लिए भी चाहिए। वाटर इज आल्सो यूज इन ए नंबर ऑफ अदर वे। और भी बहुत से कारण हैं जिसमें हम पानी का यूज करते हैं। रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। बरसात है, जो बरसात का पानी है वो मेन सोर्सेज है पानी का। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। जो पानी है हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। प्लांट नीड वाटर टू ग्रो एंड मेक देयर फूड। पौधों को बढ़ने के लिए और भोजन के लिए पानी चाहिए। ये लेसन आप घर पर रीड कर लेंगे अच्छे से, और इसके कीवर्ड और बुक एक्सरसाइज मैं आपको भेज रही हूँ, वो आप अपनी बुक में कर लेंगे। ओके, थैंक्स।